पांडे जापान में रहते हैं, सत्येंदी के मित्र हैं। हमारे आग्रह पर उन्होंने टोक्यो, जहां वो रहते हैं, वहां की बस्तियों में अपने घर उसके आसपास एक सैर प्रोग्राम बनाया कैमरा लेकर, और उसको शूट किया और उनको सत्य हिंदी के दर्शकों को देखने के लिए भेज दिया कि कोरोना काल में जापान का क्या हाल है। आप भी देखिए और समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पांडे टोक्यो के पूर्वी भाग में स्थित शिनकुइबा नाम के स्टेशन पे खड़ा हूँ। और आप ये देखिए, आज का दिन ऐसा है कि जापान के 47 राज्यों में से 39 राज्यों से इमरजेंसी हटा ली गई है। हालांकि मैं टोक्यो में हूँ और यहाँ इमरजेंसी अभी भी लागू है, लेकिन आप देख सकते हो इमरजेंसी का यहाँ पर वो मतलब नहीं है जो हम देखते हैं और भारत में सोचते हैं। ये उसके ठीक सामने की एक बाज़ार है और आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। एटीएम्स खुले हुए हैं सामने, ये पब्लिक बसेस चल रही हैं और जैसा दिखाया कि ट्रेन अभी आई थी और निकल गई। ये देखिए बसेस चल रही हैं, लोग दफ्तरों से घर को लौट रहे हैं। शाम के 7, 7:30, 7:30 बजे हुए हैं। तो आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं। ये देखिए टैक्सीज भी चल रही हैं, लोग अपने वाहन पे भी हैं, मास्क लगाए हुए हैं। छोटी छोटी दुकानों पर लोग कुछ खरीद भी रहे हैं, लेकिन कुछ की दुकानें बंद भी हो गई। ये देखिए, और फिर दोबारा वापस चलता हूँ और ये देख सकते हैं, ये हर स्टेशन के पास अमूमन जापान में एक ऐसा सिस्टम है, रेगुलेशंस है, कि इस तरह की मार्केट डेवलप की गई है। मैं इसकी थोड़ी आपको सैर कराता हूँ। ये एक डीवीडी और कैसेट की दुकान है, कैसेट्स, यहाँ पुराने कैसेट्स मिल जाएंगे। कैसेट समझ रहे हैं ना, जो वीडियो टेप्स में और वो पुराने ज़माने के टेप रिकॉर्डर में चलते थे। लेकिन दुकानें काफ़ी बंद भी हो चुकी, जबकि शाम के 7 बजे। तो इम्पैक्ट तो है। फिर से बता दूं, आज 47 राज्यों में से 39 मीन 39 स्टेट्स, जिसको यहाँ प्रिफेक्चर बोलते हैं, वहाँ से इमरजेंसी हटा ली गई है। उसका रीज़न ये है कि कोरोना के अब केसेस दिन प्रतिदिन यहाँ कम होते जा रहे हैं। क्यों, कैसे, लंबी बात है, कभी बताऊंगा। ये कन्वीनियंस स्टोर है, आप देख सकते हैं, और इन कन्वीनियंस स्टोर में देखिए कैशियर काउंटर के बाहर एक प्लास्टिक का पर्दा लगा दिया गया है कि जिससे कोई संक्रमण न आए। दोस्तों, मैं जैसा दिखा रहा था अभी कि एक मार्केट है, इस तरह की मार्केट हर स्टेशन के बाहर रहती हैं। अब मैं दूसरे सिरे पर पहुँच गया था। अब मैं दूसरा हिस्सा जापान का आपको दिखाना चाहता हूँ। एक व्यस्त स्टेशन है शिनकुइबा का। अब मैं उल्टी तरफ में घूम जाता हूँ और अब आप देखिए, ये छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पर लोग अपने माल असबाब, रोज़मर्रा की चीज़ें, ये देखिए ये रेस्टोरेंट पूरा खाली है। ये ग्रॉसरी स्टोर कोई नहीं है। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में हिंदुस्तानी है, मुस्कान इंडियन बार, इसमें कुछ लोग दिख रहे हैं। ये भी एक ग्रॉसरी स्टोर है, सब्जी की दुकान है। देखिए इतना बड़ा स्टेशन
और मुश्किल से 200 मीटर के बाद एकदम सन्नाटा। ये अब रिहायशी इलाका है, ये जापानीज कल्चर है। अब आपको लोग सड़कों पर बहुत कम दिखाई देंगे, लोग अपने घरों में बंद हैं। ये अपार्टमेंट्स देख लीजिए, ये सामान्य जापानीज कल्चर है। और मुझे लगता है ये जो आइसोलेशन की प्रवृत्ति है जापानी समाज के अंदर, इसने कोरोना को रोकने में बहुत बड़ी मदद की है। देखिए ये एक रोड है, मतलब मेन रोड तो नहीं कह सकते, मेन रोड को जोड़ते हुए सब मेन रोड कह लीजिए, लेकिन आदमी नहीं। यही दिखाना था कि एक जगह भीड़ स्टेशन के बाहर, और जैसे ही आप रिहायशी इलाके में पहुंचते हैं आपको इक्का दुक्का लोग ही नज़र आते हैं। प्राइवेसी का ख्याल यहाँ ज़्यादा रखा जाता है, मैं किसी की फ़ोटो नहीं ले सकता हूँ। एक गली में घुस के दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें सारे रिहायशी मकान हैं, और देखिए एक भी आदमी सड़क पर। ये सामान्य जापानीज कल्चर है, आप देख सकते हैं एक भी आदमी सड़क नहीं। ये चाहे लॉकडाउन हो, इमरजेंसी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सामान्य जीवनचर्या है। और शायद इसीलिए इसी प्रवृत्ति ने जापान को बचा लिया है। शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।